Hello everyone, this is Harshaha and welcome to my YouTube channel Concepts of Biology. So guys, this video mein hum baat karne wale hain amino acid ke bare mein. Hum bilkul basic se shuru karke is video mein aage badhenge. To agar hum simply sabse pehle baat karte hain amino acid ki definition ki, to ye methane derivative hua karta hai. Ab methane derivative kya hota hai wo hum aage baat karenge. Agar uske alawa hum baat kare to ye ek biomolecules hai aur biomolecule mein bhi ye ek micromolecule hai. Okay, it is a micromolecule. और बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ के एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं. इट मींस दैट मेनी मैक्रोमोलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, तो ये एमिनो एसिड ही हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं. ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े और वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. इन द सेम वे जैसे आपने सेल पढ़ा होगा कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम आगे बात करते हैं कि ये मीथेन डेरिवेटिव क्या होता है, तो मीथेन डेरिवेटिव ज्यादा कुछ नहीं है. सिंपली इसका जो फॉर्मूला है, जो एमिनो एसिड का जो सिंपल फॉर्मूला है, वो मीथेन के जैसा वर्क करता है. तो यहाँ तो कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है 1, 2, 3, 4 ये चारों मीथेन में, ये मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है. ठीक है, मीथेन का ये फॉर्मूला लिख रखा है. यहाँ पे चारों वैलेंसीज जो है ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है. लेकिन एमिनो एसिड में ऐसा नहीं होता है. एमिनो एसिड में इसकी वैलेंसीज बदल जाया करती है. यहाँ से अगर यहाँ से कहीं से भी अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, सपोज हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे NH2, this is NH2, एमिनो ग्रुप. ठीक है, यहाँ हम एमिनो ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया और यहाँ पे हम एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं. एक हाइड्रोजन को हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, इसे हम रिमूव नहीं करते हैं और एक हाइड्रोजन को यहां से हम रिमूव करके अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है इसके बेसिस पे, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक एमिनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला बन गया. अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हर बार बदलेगा. ठीक है, और जब ये चेंज होगा तो एमिनो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज होगा. ये जो एमिनो ग्रुप और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दे विल नॉट चेंज, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे सारे एमिनो एसिड के फॉर्मूले में. ठीक है, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है ये चेंज होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट एमिनो एसिड. और अगर हम इसके बेसिस पे बात करें, ये जो हमारा एमिनो ग्रुप है, ठीक है, ये बेसिक हुआ करता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एसिडिक हुआ करता है. ठीक है गाइस, आर यू गेटिंग इट? इट इज एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इट इज बेसिक एमिनो ग्रुप. ठीक है, जैसा कि हमारा नाम है एमिनो और एसिड, यानी ये एमीन और एसिड से मिलकर बना है. ठीक है, ये हमारा एमीन हो गया, ये हमारा एसिड हो गया. तो अगर हम इसके बेसिस पे बात करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो एमिनो एसिड को यहाँ तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. एक हमारा हो गया न्यूट्रल एमिनो एसिड. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल एमिनो एसिड, ये हो गया बेसिक एमिनो एसिड. ठीक है, ये हो गया एसिडिक एमिनो एसिड. अब ये न्यूट्रल बेसिक एसिडिक एमिनो एसिड क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं. ये न्यूट्रल एमिनो एसिड का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये ग्लाइसिन, अगर बेसिक एमिनो एसिड की मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये है एलानिन. ठीक है, और अगर एसिडिक की हम बात करते हैं तो ये है एस्पार्टिक एसिड. तो अब बात करते हैं कि ये बेसिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड और ये न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या हुआ करता है. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ जैसे एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर ये एमिनो ग्रुप, जितने यहाँ पे एमिनो ग्रुप है उतना ही यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे. ठीक है, मींस नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप व्हेन विल बी सेम, जब दोनों सेम होंगे तो ये हमारा एमिनो एसिड हो जाया करेगा न्यूट्रल. ठीक है, जितने एमिन ग्रुप है यानी जितने एसिडिक ग्रुप है उतना ही बेसिक ग्रुप है, तो ये न्यूट्रल हो जाया करेगा. ठीक है, तो उसी न्यूट्रल एमिनो एसिड का मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, ये है
ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन में इसका मतलब जितने यहाँ एमीन ग्रुप होते हैं उतनी कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ करते हैं, नंबर ऑफ एमीन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर सेम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेसिक एमिनो ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिक एमिनो ग्रुप में क्या होता है, एमीन ग्रुप ज्यादा हुआ करता है। अब सिंस ये बेसिक है, ठीक है, इसे बेसिक नेचर आ रहा है, बेसिक नेचर डोमिनेट कर रहा है, यानी उसमें बेसिक ग्रुप जो है वो जो एमीन ग्रुप है वो ज्यादा है, कार्बोक्सिल ग्रुप कम है सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एमिनो एसिड, और इसका एक एग्जांपल है एलानिन। ओके, मैंने यहाँ सबका एक एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक एमिनो एसिड की। तो अब यहाँ क्या होगा, इसमें एमिनो ग्रुप वो लो कम हो जाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक है, ठीक है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक एमिनो एसिड बेटी। तो ये हुआ एसिडिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बेस पर, ठीक है। तो अगर हम फर्दर इसे आगे क्लासिफाई करें तो ये और तीन तरह का हुआ करता है, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। यहाँ पे मैंने बोर्ड पर ही बता रखा है और उसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वैसे एमिनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी एंड दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, ठीक है। वो हमारे खाने में प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। अगर आप किसी इस तरह से समझें कि हमें वही चीज इम्पॉर्टेंट लगा करती है, एसेंशियल हुआ करती है जो हमारे पास ना हो, लेकिन जो ऐसी चीज जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे हम उतनी वैल्यू नहीं देते यार, चलो ये तो हमारे पास पहले से है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसी चीज की हमें चाह होती है, ठीक है। तो उसी तरह ये हो गया एसेंशियल एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द आवर बॉडी। तो एसेंशियल एमिनो एसिड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये हुआ है लिथियोनीन और ट्रिप्टोफैन। ओके, एसेंशियल एमिनो एसिड के दो एग्जांपल यहां मैंने लिख रखे हैं, लिथियोनीन और ट्रिप्टोफैन, एंड इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। अब अगर आगे हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की, तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इज वैसा एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। इट मींस नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, इसीलिए वो नॉन एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये अगर मैं इसकी एक बात करूं तो ये है टायरोसिन और एस्पार्टिक एसिड। अब एक और एमिनो एसिड है, वो है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। तो अब सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड क्या हुआ करता है, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड भी ऐसे एमिनो एसिड है जो डाइट में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए होता है, ये हर समय इसकी जरूरत नहीं है। जिस समय हम मोस्टली जिस समय हमारा जो ग्रोथ पीरियड होता है, तो ये ग्रोथ पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, लेकिन ये भी हमें बाहरी आउटर डाइट से मिलता है। तो गाइस यही था एमिनो एसिड का एक छोटा सा बेसिक, सारा जो बेसिक्स है उसका एक वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।